कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत पानीपत। जय जैन दर्शकों, मैं शेफाली जैन, स्वागत है आप सभी का जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध शहर पानीपत के जैन मोहल्ला स्थित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में आयोजित हुए त्रिदिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के पावन दृश्य। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज एवं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य बाल ब्रह्मचारिणी माँ श्री कौशल जी के सानिध्य में 4 से 6 मई 2024 के मध्य हर्षोल्लास के साथ आयोजित इस महोत्सव के पहले भाग में कल आपने 5 मई की मांगलिक गतिविधियों का आनंद लिया, तो वहीं कार्यक्रम के दूसरे भाग में आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं महोत्सव के अंतिम दिन अर्थात 6 मई को संपन्न हुई गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए दर्शन लाभ लेते हैं महोत्सव के पावन दृश्यों का। हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध शहर पानीपत के जैन मोहल्ला स्थित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 4 से 6 मई 2024 के मध्य त्रिदिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य बाल ब्रह्मचारिणी माँ श्री कौशल जी के सानिध्य में सानंद संपन्न हुए इस महोत्सव में जिनेन्द्र भक्तों द्वारा हर्षोल्लास एवं विधि पूर्वक श्री 108 पार्श्वनाथ भगवान को मूल वेदी पर विराजमान कर पानीपत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा गया और पानीपत जैन समाज का वर्षों पुराना स्वप्न साकार हुआ। इस कार्यक्रम के अंतिम दिन अर्थात 6 मई को कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु अभिषेक के साथ हुआ। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। अभिषेक के पश्चात श्रेष्ठ जनों ने पांडुकशिला पर विराजमान प्रभु की शांति धारा कर मंगल भावना भाई। ओम नमो रते भगवते पिछिनाशेष दोष कर्मशायते वितेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सब विघ्न पनाशनाय सब रोगापत्तु विनाशनाय। शांति धारक के बाद जैन उपासकों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित करते हुए मंडल जी पर श्रीफल आदि अर्पित किए। भगवत जिन गर्भ जम तप ज्ञान जमा अर्घन पामी थी अर्घन पामी थी सस्ती त्रकाल सकदाय तीव्रताए पुरुष करोम यज्ञ ओम सब शब्द जन्म जन्म से चित्त ले भो संसार ताप नाश न चंद्रम पामी थी अक्षपत प्राप्त यक्षतान रूपामी स्वाहा भ्रीम नव देवी भय सुधा रूप विनाश न विद्यम रूपामी थी प्रारंभ मंगल कलश स्थापनम करोमि अब समय था गुरुमा की मंगलवाड़ी श्रवण करने का, जिसमें पूज्य गुरुमा श्री कौशल जी ने श्रावक श्राविकाओं को आशीर्वाद देकर मतभेद और मनभेद के अंतर को समझाते हुए जैन समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। उस समय कहानियां लगती थी, किंतु आज इस पंचम काल में वो सौभाग्य हम सबको मिल रहा है। तो कहा है, अद्य भव सफलता नैन द्वैसे देवर तदीय चरणामुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोक प्रतिभासते में संसार वारिध्रियम चुलके प्रमाण। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तीनों लोकों में सबसे अधिक पुण्यशाली हूँ। मुझे लग रहा है ये मेरा भव सफल हो गया जिससे आपके चरणों की वंदना करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और संसार रूपी समुद्र एक चुल्लू के बराबर रह गया है।
अर्थात मेरा संसार भ्रमण नष्ट हो गया। ऐसा ये अवसर जो कितने समय से भावना भा रहे थे, 64 वर्ष पूर्व हमारे बड़ों ने जिन पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति की स्थापना की थी, उस मूर्ति के वेदी पर पुनर्स्थापन के लिए आज ये यज्ञ हो रहा है, तो आपको डबल पुण्य मिल रहा है। आज कितना अवसर होगा, कितना मन प्रसन्न होगा जब हम श्री जी को अपनी नई वेदी में स्थापित होते हुए देखेंगे और उन पर इतना बड़ा छत्र, ध्वजा आदि सब कुछ आपके द्वारा निर्मित, भावना से परिपूर्ण उसको चढ़ा हुआ देखेंगे, तुम समझेंगे कि वास्तव में ही हम भाग्यशाली हैं। मैंने श्री जी से प्रार्थना की थी कि आप भक्तों को कष्ट मत देना, बल्कि फूलों की तरह से अपने अस्थाई आसन पर स्थापित होना, लेकिन आज प्रार्थना करती हूँ आप हवा की तरह उड़ करके नए सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। समाज ने जो मेरे प्रति प्रेम दिखाया है, प्यार दिखाया। पूज्य गुरु मां श्री कौशल जी की मंगल देशना के पश्चात सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने कलश शुद्धि की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया। जिन वाग देवतम नतो गुरु साधु पुनः कल सरोहण चब्द करो मी जिन के कई तुम से समन गंदा में अपन गुरु तत पंजवा ने शितवा सिद्धात को दामाने परिषद जले को मदम से चिन पृथक पृथक शरम मुनक में ज्ञान पूजते सजाते भी पूजते सब मुझे बच्चे सपना पूजन ध्वज रोहण तत्वा मन तो जान गुरु को मंगल विन्यास सकी बल पूजन कुंभे सगा ज जय बीज बन ले मुना रक्षा विपन नाम घोषण सुनते वाच कम आशीर्वाद बचा बचे समझे बचाते मंदम तक बार से बाण के मोह धनी शिखर स्वर्ण कुंभम संतोषता पर ओम नमो हरते भगवते शांति सब शांति का सुध भव शांति सब प्रतिदिन सब शांति गुरु गुरु स्वाहा। अगली कड़ी में श्रद्धालुओं ने मंदिर जी में बनी नवीन वेदी पर विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं करती हुई प्रभु प्रतिमा को श्रद्धा पूर्वक विराजमान किया। आवाहन करी तीर्थंकरिका, आवाहन करी तीर्थंकरिका, पूज्य मंत्र उच्चारिके वेदी की है करी प्रतिष्ठा, वेदी की है करी प्रतिष्ठा, प्रभु भक्ति मन धारिके आवाहन करी तीर्थंकरिका। रहे हैं रंग धर्म के उत्सव में तारे के वेदी की है। प्रभु प्रतिमा स्थापना के बाद सौभाग्यशाली श्रावकों ने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रभु प्रतिमा पर छत्र व भामंडल स्थापित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। महोत्सव में अब अवसर आया पूज्य गुरुदेव की अमृत वचनों को श्रवण करने का, जिसमें पूज्य गुरुवर ने भक्तों को अतिशय शब्द का सार बताते हुए जीवन के उपयोगी सूत्रों को भी विस्तार से बताया। ठीक है, मैसेज का आना बोलो आश्रव है, दोबारा बोलो सेव होना बंद है, दोबारा बोलो
सेलेक्ट करना संवर है, डिलीट करना निर्जरा है, फॉर्मेट करना मोक्ष है। कौन आपको आज तक आपको ऐसे इजी तरीके से बताया सात तत्व? मोबाइल लद करके घूम रहे लोग, मोबाइल ले करके मोबाइल में लद गए हैं, इतने फोटो लोड कर रहे हैं। जब से सेल्फी आया है ना, किसी ने मेरे को पूछा सेल्फी का मतलब क्या होता है, मैंने बोला सेल्फी का मतलब एक बार अपना और लोगों का फोटो लेना सेल्फी है। फिर आगे दो बार लेंगे तो, दो से अधिक बार लेंगे तो आदमी सेल्फिश हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल्फिश के वजह से सेल्फी पड़ी है। नाम मैंने बड़ा ढूंढा, ये सेल्फी नाम कहां से पड़ा पागल जो है, बाद में पता चला ये सेल्फिश के वजह से सेल्फी हो गए, समझ लेना। अगर कोई सेल्फी लेने आ गए ना, हमारे एक वहां लेडी पुलिस है, लेडी पुलिस है, वो थोड़ा सही तरीके से रहती है। एक दिन मेरे को बोल रहे थे कोई भी आता है मेरे साथ सेल्फी ले लेता है। पुलिस वाली है बेचारी हो, हाँ। और एक दिन मेरे को बोली कि भाई एक दो चार बच्चों ने बिना बोले लिए, तो मैंने अंदर कर दिया उसको, हाँ अंदर कर दिया सेल्फी के। फिर वो पता चला जैन बच्चे हैं। कौन बच्चे हैं? सबके ले रहे थे तो उनका भी ले लिया उन्होंने, हाँ मिनिस्टर के ले रहे थे और सबके ले रहे थे उनका भी ले लिया। अब फिर मैंने कह के छुड़वाया, भैया सेल्फी लेते मत घूमिए हो, हाँ हाँ बोलो हे भगवान, हाथ जोड़ो हे भगवान, आपने हमें शय दे रखा है। क्या दे रखा है? भक्ति करने के लिए, बोलो आराधना करने के लिए, प्रतिष्ठा करने के लिए, हाथ करो वेदी उत्तापन करने के लिए, वेदी में विराजमान करने के लिए, प्रतिष्ठापना करने के लिए शय दे रखा है। कितना दे रखा है? अति कड़े होके बताओ मनोज, कितना शय दे रखा है? कड़े होके बता, हाँ सुनो, हाँ कितना? बहुत बढ़िया, हाथ ऐसे करो अतिशय दे रखा है। बोलो हे भगवान, हे पारसनाथ भगवान, आपके पानीपत में इस विशाल मंदिर में, जैन मोहल्ले में, इस विशाल मंदिर में आप विराजमान हो गए, आज से अतिशय क्षेत्र हो गया। शय दे रखा है, पता ही नहीं है लोगों को अतिशय क्या होता है। शय दे रखा है, क्या दे रखा है? बोले इसके बाद पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। शास्त्र भेंट करने के बाद जहाँ स्थापक श्रेष्ठियों ने प्रभु का महामस्तक अभिषेक किया, तो वही अन्य पुण्यशाली भक्तों ने प्रभु की मंगल आरती कर मंदिर जी के मंडप में घंटा स्थापित किया। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं को करते हुए मंदिर जी के शिखर पर कलश व ध्वज स्थापित कर मंगल भावना भाई। बड़ा ही पावन बना जिनालय, देख के जन जन हर्षाया, शिखर पे पावन कलश स्थापन का पावन है। ओम प्री प्रद्रोपदी शरण प्रदेश भद्रपीठ महाकुंभ महापीठ शरम स्थायी भाव सर्व जीवानाम क्षेमायुरोग्यम प्रत्यर्थम तिष्ठ तिष्ठ याजक यजमानादीनाम सर्व सौख्य विधानार्थम प्रत्यूह व्यूह प्रश्नार्थम कल्पांतर स्थायी भाव स्वाहा।
पावन कलश ही हिमालयों के शिखर की शोभा होते हैं। शिखर के ऊपर होवे स्थापित लगते दिव्य अनोखे हैं। सूरज के जैसे ही चमके पड़ता जब उसका साया, शिखर पे पावन कलश स्थापन का पावन प्रदेश भद्रपीठ महाकुंभ महापीठ चिरम स्थायी भाव सर्व जीवानाम क्षेमारोग्यम प्रत्यर्थम तिष्ठ तिष्ठ याजक यजमानादीनाम सर्व सुख विधानार्थम। महोत्सव की समापन बेला में आयोजन समिति के पदाधिकारियों एवं विशिष्ट जनों ने जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। दिगंबर जैन पंचायत जैन समाज पानीपत का प्रबंधक मुकेश जैन बोल रहा हूँ। यहाँ पर आज से दो वर्ष पूर्व श्री पार्श्वनाथ भगवान जी की प्रतिमा को अस्थायी वेदी पर विराजमान किया था। परम पूज्य आचार्य श्री संयम सागर जी व परम पूज्य माँ कौशल जी के सानिध्य में अब यह मंदिर बनकर पूर्ण हो चुका है। इसका त्रिदिवसीय वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। आज वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्री पार्श्वनाथ भगवान जो कि अस्थाई वेदी पर थे, उनको स्थाई वेदी पर लाना था। इसके लिए परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज व परम पूज्य माँ कौशल जी को निमंत्रण देकर हम यहाँ लाए। वह उनके आशीर्वाद व सानिध्य में इस मंदिर का नवीनीकरण हुआ। वह वेदी पर श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र भगवान को विराजमान किया गया। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। ये 61 साल पुरानी विराजमान मूर्ति पार्श्वनाथ भगवान की आज इनका तीन दिन का संपन्न हुआ है विधि प्रतिष्ठा। इसमें आचार्य श्री 108 सुरु सागर महाराज जी एवं माँ श्री कौशल जी के सानिध्य में समापन हुआ। 1008 पार्श्वनाथ भगवान ने की जय। पौराणिक ऐतिहासिक नगरी पानीपत जहाँ पर अति प्राचीन जिनालय जिसका 500 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना इतिहास है, ये 61 वर्ष प्राचीन ये हॉल जिसमें भगवान पार्श्वनाथ विराजमान है, उसका परम पूज्य बाल ब्रह्मचारिणी माँ श्री कौशल जी की प्रेरणा से जीर्णोद्धार कराया गया। अब ये मंदिर दो वर्ष की अथक प्रयास से श्री दिगंबर जैन पंचायत ने इसका निर्माण कार्य कराया, नवीन वेदी नवीन जिनालय बनकर तैयार हुआ और परम पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 सुरत सागर जी मुनिराज के सानिध्य में एवं माँ श्री कौशल जी के सानिध्य में इसका त्रिदिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव आज सा आनंद संपन्न हुआ। मैं मनीष जैन पानीपत का रहने वाला हूँ। हमें सुधर्म मंदिर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव 4-5-6 तारीख को बड़े मंदिर जी के जिनाले में संपन्न हुआ, जिसमें कि हमें बड़े हर्षोल्लास के साथ यह हमें मौका मिला और हमें परम पूज्य माँ श्री कौशल जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। वह परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुरु सागर जी महाराज का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। हमने बड़े हर्षोल्लास के साथ वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव में अपना सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह हमने शांति धारा व अभिषेक बड़ी भक्तिपूर्वक से किया। मैं जिनेन्द्र, मैं पानीपत से रीता जैन और इस 4-5-6-3 दिन वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव चला, वेदी प्रतिष्ठा की गई और उसमें मैं इंद्राणी बनी, शुचि इंद्राणी बनी हूँ। सौधर्म इंद्राणी बने हमें और इस बात का हमें बहुत सौभाग्य मिला और हमने पुण्य का अर्जन किया और आचार्य श्रुत सागर महाराज जी एवं माँ कौशल के सानिध्य में यह सब क्रियाएं हुई और बहुत अच्छे से बढ़ चढ़कर प्रत्येक जैनियों ने साथ दिया, सहयोग किया। इस कार्यक्रम के बुनियादी थी श्री दिगंबर जैन पंचायत पानीपत।